दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म डंकी का ट्रेलर देखने के बाद कियारा आडवाणी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जब कियारा आडवाणी ने डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर देखा तो उन्होंने कहा कि डंकी शाहरुख खान की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है, क्योंकि डंकी में वह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो एक फिल्म में होनी चाहिए। और डंकी राजू ईरानी की फिल्म है तो डंकी जरूर हिट होगी, क्योंकि राजू ईरानी की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है और तो और किंग खान की जमकर तारीफ करती है। वही आपको बता दें कि अब YRF भी डंकी के सपोर्ट में आ चुका है। वही डंकी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने की बात कही है। डंकी और सलार के बीच जबरदस्त टक्कर के बीच YRF ने पूरी गेम ही चेंज कर दिया, क्योंकि डंकी को 8000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करवाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो डंकी भी जवान की तरह इतिहास रचने वाला और डंकी सलार के साथ ही रिलीज होने वाली है, जो लोगों को बेसब्री से इंतजार। और एटली कुमार कहते हैं कि डंकी सलार को यूं ही ढूल चटा दे, क्योंकि डंकी सलार से बड़ी फिल्म और शायद डंकी एक साल में 3000 करोड़ की फिल्म देने वाले पहले भारतीय एक्टर बन जाएंगे शाहरुख खान। वैसे दोस्तों डंकी की कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और सलार का भी बस देखना होगा कि लोग किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, डंकी को या फिर सलार को। वैसे आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आप किसे देखना चाहते हैं, डंकी या फिर सलार।